पृथ्वी में जो धरती में चार पैरों से धर्म की स्थापना की जाती है। कौन से चार पैर है वो? दया, सत्यता, तपस्या और स्वच्छता, मार्सी, क्लीननेस, ऑस्टेरिटी और ट्रूथफुलनेस। ये चार जो है धर्म के पैर है, फोर पिलर्स ऑफ धर्म। और ये चार पैर को तोड़ रहा था जब द्वापर के अंत में कली का अवतरित हुआ, कलियुग का आना हुआ। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि मेरे राज्य में कलियुग को एंट्री नहीं करने दूंगा, कलियुग को आने नहीं दूंगा, गाय का वध, पशु की वध, बैल का वध, ये सब नहीं होने दूंगा। परीक्षित महाराज ने तरवाल निकाला और कलियुग को कहने लगा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, घुसने नहीं दूंगा। तो कलियुग ने जाके परीक्षित महाराज को प्रार्थना की कि राजा कैसी बात कर रहे हो, ये तो नियम है, चक्र है, समय काल को कोई रोक सकता है क्या? परीक्षित महाराज, सत्ययुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर आता है, द्वापर के बाद कलियुग आना, ये तो स्वाभाविक है, नेचुरल है, मेरा आना तो निश्चित है। परीक्षित महाराज ने कहा, आओगे तो हाँ, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं, जो जगह मैं दूंगा वहीं पे रह सकोगे तुम, हर जगह नहीं रहोगे तुम, हर जगह तुम्हारी प्रभाव नहीं चलेगा, कली का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा वो मैं तय करूंगा। तो परीक्षित महाराज ने कहा, कलियुग जहाँ चार धर्म के पैर तोड़ा जाता है, तुम्हारा निवास वहीं पे होगा, तुम वहीं पे रहोगे। कैसे कैसी जगह दी उन्होंने? स्त्रिया, सोना, पाना। पहली जो जगह है जहाँ पे शराब पिया जाता है, मदिरा पिया जाता है, मदिरा लाए, शराब जहाँ पिया जाता है तुम्हारा निवास वहीं पे होगा कली, वहाँ तुम रह सकते हो। तो वहाँ एक जगह पे उसको रहने का परमिशन मिल गया कलियुग को। जहाँ मांस खाया जाता है, नॉनवेज कहा जाता है, मांसाहार होता है, तुम वहाँ पे रह सकते हो, वहाँ पे तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। जहाँ जुआ खेला जाता है, गैम्बलिंग होता है, वहाँ पे तुम रहोगे, वहाँ पे तुम्हारी निवास होगा। और चौथा, जहाँ पे स्त्री संग किया जाए, पराई स्त्री गमन, अवैध संपर्क, अवैध यौन संपर्क जहाँ पे होता है वहाँ पे तुम रहोगे। पर पुरुष गमन, वैश्यागमन, पर स्त्री पर पुरुष के साथ संबंध स्थापित करना, इलिसिट सेक्स, वहाँ पे तुम रहोगे। और ये सब तो कलयुग में भरपूर मात्रा में होता है, तो धर्म के पैर तो कलयुग में ज़्यादा ही तोड़ते हैं। दया का भाव, करुणा का भाव टूट जाता है क्या पता है? जब जीव हत्या होती है, जब मांसाहार करते हैं, मछली, अंडा, किसी का डी, मुर्गी, बकरी, भेड़, गाय, इन सबको मार के खा रहे, काट रहे, उसको ही खा रहा है, तो उनके अंदर दया भाव नहीं रहे, क्योंकि जीव की हत्या कर रहा है, तो उनके अंदर दया भाव कहाँ से आएगा? मांस खाने वाला व्यक्ति कभी नहीं कह सकता है कि मैं धार्मिक हूँ, वो बोलेगा मैं मांस खाता हूँ, धर्म भी करता हूँ, वो धर्म हो सकता है, लेकिन नकली, चीटिंग रिलीजन। धर्म प्रोहजित कैतव निर्मत सराणाम मृताम, श्रीमद भागवतम में वर्णन आता है कि धर्म प्रोहजितम कैटव धर्म है, चीटिंग रिलीजन है, सच्चा धर्म है। अगर कोई सच्चा धार्मिक होगा वो कभी मांसाहार नहीं करेगा, कभी जीवों की हत्या नहीं करेगा, निर्मम पशु को मार के कभी नहीं खाएगा। आजकल बहुत सारे बोलेंगे मैं बहुत धर्म की काम करता हूँ, मैं बहुत धार्मिक हूँ, धार्मिक ब्राह्मण चिवा चवा रहा है, ब्राह्मण भी खा रहा है मांस, मांस हड्डी, दारू पी रहा है, वैसे के साथ अवैध संपर्क कर रहा है, कुछ भी कर रहा है और खुद को धार्मिक बताते, ब्राह्मण का पूजा पाठ करता हूँ। तो धर्म में दया की भाव कब चला जाता है? जब मांसाहार का सेवन करेंगे, मांस खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे। स्वच्छता कब चली जाएगी? जब पर पुरुष पर स्त्री एक दूसरे में गमन करेंगे, अवैध संपर्क स्थापित करेंगे, शादी से पहले, शादी के बाद, कभी भी पर स्त्री पर पुरुष, वैश्यागमन, इलिसिट सेक्स, अवैध यौन संबंध, ये सब स्थापित करेंगे तो स्वच्छता चली जाएगी। ये दोनों तो चली गई, दया और स्वच्छता। और स्वच्छता जब चले जाएगा तब क्या? तपस्या, तपस्या के भाव भी चले जाएंगे। जब नशा करेंगे, दारू पियेंगे, शराब पियेंगे, गांजा भांग, ड्रग्स वग्स जब लेंगे, तपस्या का भाव चली जाएगी, तपस्या नहीं कर पाएंगे। रात को नशा करके सोएंगे, सुबह उठेगा हैंगओवर रहेगा, तो तपस्या कैसे करेंगे? और हैंगओवर कटाने के लिए भी दूसरा कुछ पीना पड़ता है, लैम सोडा, लैम जूस, नींबू पानी पीते हैं कि हैंगओवर उतर जाए, नशा कट जाए। तो रात में जब पी के सोया है और सुबह उसका हैंगओवर नहीं कट रहा है, तो सुबह उठ के वो मंगला आरती कब करेगा? वो भजन कीर्तन में, भागवतम क्लास में कैसे आएगा? तो इसलिए तपस्या भी चला जाता है नशा करने से। और जो सत्यता है, ट्रूथफुलनेस, वो चला जाता है जुआ खेलने से। जुआ खेलने व्यक्ति जो गैम्बलिंग करता है वो बहुत झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। तो इन सारी चीज़ जो है ये धर्म के खिलाफ है, ये धर्म के पैर को तोड़ता है। और इन सारी जगहों में कली का प्रकोप, कली का प्रभाव बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।